सोलन के अर्की में नगर पंचायत के खिलाफ अर्की विकास मंच पर स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा कि अर्की नगर परिषद लोगों को लूटने में लगी है। कोविड के इस संकट में जहां उन्हें आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आगे आना चाहिए था, वह उल्टा लोगों पर हाउस टैक्स का अतिरिक्त बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि शहरवासी बढ़ती महंगाई से पहले ही बेहद परेशान चल रहे थे, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन अर्की की नगर पंचायत अपने खाली खजाने भरने में लगी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने अर्की की जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने नगर परिषद को चेतावनी दी है कि वे अपने इस निर्णय को तुरंत वापस ले, अन्यथा उन्हें जनता के रोष का सामना करना पड़ेगा। अर्की विकास मंच के प्रधान राकेश भारद्वाज ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा 300% से 800% तक का हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया है और निश्चित समय अवधि में टैक्स को जमा करवाने के नोटिस भी थमा दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि नगर परिषद अर्की बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है और अपनी तानाशाही दिखा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लगभग 50 नगर पंचायतें हैं, किसी भी नगर पंचायत में इतना टैक्स नहीं है। भारद्वाज ने कहा कि ये मापदंड शिमला नगर निगम का अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि हद तो ये है कि नगर पंचायत अर्की ने मकानों की गलत पैमाइश के साथ ही खाली पड़े स्थानों को पैमाइश कर टैक्स के नोटिस थमा दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नगर पंचायत द्वारा अंधाधुंध किराए की बढ़ोतरी कर लूट खसोट इसलिए कर रही है ताकि नपम के अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन मिलता रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नपम अर्की का 300% से 800% टैक्स बढ़ाना घृणास्पद कार्य है तथा अर्की विकास मंच पर सभी निवासी टैक्स वृद्धि का जमकर विरोध करते हैं। साथ ही वे नगर पंचायत से मांग करते हैं कि वे पिछले वर्षों की तरह हाउस टैक्स वसूले, अन्यथा उन्हें इस निर्णय के खिलाफ न्यायालय की शरण लेनी होगी। जो नगर पंचायत ने हाउस टैक्स बढ़ाया है उसको लेकर के चर्चा हुई, सभी सदस्य उपस्थित थे और अर्की के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे हैं। सब में इस पर इस बात के लिए रोष है कि जिस प्रकार से अराजकतापूर्ण नगर पंचायत ने ये किराए बढ़ाए हैं और इसमें जो वृद्धि की गई है वो 300% से लेकर के 800% तक की गई है। जिस आदमी का 3,000 रुपया टैक्स आ रहा था उसको 11,000 रुपये टैक्स किया गया है, 1,000 वाले का 4,000 रुपये टैक्स किया गया है। तो ये अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि नगर पंचायत ने ये जो बढ़ोतरी की है इसका मापदंड क्या है। इतनी तो बढ़ोतरी कहीं नहीं हुई है। और सुनने में यह आया है कि इन्होंने जो नगर निगम शिमला है और नगर निगम शिमला में भी जो कोर एरिया है, माल रोड का एरिया है, लोअर बाजार का एरिया है, उस एरिया को मापदंड बना करके उसी के हिसाब से इन्होंने किराया लगाया है और खाली जगह के भी किराया लगा दिए और कुछ मकानों का जो इन्होंने पैमाइश ज़्यादा करके रखी है। तो इन्होंने जो है अपनी सिर्फ आय बढ़ाने के लिए, ताकि नगर पंचायत के कर्मचारियों को तनख्वाहें मिलती रहें, इन्होंने ये जो है ये किराए में वृद्धि नहीं की है। ये एक लूट कसूट का सीधा साधा उदाहरण है। हिमाचल के अंदर 50 के लगभग जो है नगर पंचायतें हैं, किसी भी नगर पंचायत ने इतनी बढ़ोतरी नहीं की है। और प्रेजेंटली ये कोरोना काल में जिस समय इतनी आपदा आई हुई है, लोगों के पास जो है पैसा नहीं है, रोटी के लिए पैसा नहीं है, आमदनी बंद है, और उसमें ये 300, 600, 500, 700% वृद्धि करना ये बहुत ही घृणात्मक और शर्मनाक है। अर्की विकास मंच इसका विरोध करता है और हम चाहते हैं कि जो पुराना किराया है 18-19 और 19-20 जो पुराना किराया है उसके मुताबिक जो है वो बिल दिए जाएँ, और 21-22 के लिए अगर इन्होंने कोई रिवाइज करना है तो लोगों को उनकी सहमति लेकर के उसके बाद किया जाए। अदरवाइज हम अभी जो नगर पंचायत को भी लिख के देंगे, अगर ये समाधान नहीं करेंगे तो हम अदालती कार्रवाई करेंगे और इनका जो ये निरंकुश आदेश है इसको हम कोर्ट से स्टे करवाएंगे। बीना ठाकुर अध्यक्ष नगर पंचायत अर्की ने सफाई देते हुए कहा कि नगर पंचायत में जो क्री कर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है वे पूर्व अध्यक्ष के समय में लिया गया था, परंतु अब अर्की नगर पंचायत वासियों से इस बारे में आपत्तियां मांगी गई हैं तथा उसके पश्चात ही बढ़ाए गए क्री कर को निरस्त करने या कम करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। नगर पंचायत में हाउस टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है यह निर्णय मेरे अध्यक्ष बनने से पहले लिया गया था। उस टाइम मैं और कुछ और सदस्य मौजूद नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया है। अब लोगों को जब हाउस टैक्स के नोटिस दिए गए तो लोगों ने हाउस टैक्स के प्रति आपत्ति नगर पंचायत से की है। जुलाई के फर्स्ट वीक में
आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। किसी भी प्रस्ताव को तब तक निरस्त नहीं किया जाता जब तक लोगों की आपत्ति ना हो।